लगे थे ना बेटा, पानी का बॉटल लगे था, पानी का बॉटल। हाँ वो सर्विस है, साइन करने वाला है। ये अच्छा है, सर ने जामर लगाया, ये अच्छा आइडिया है। पहले से कर दिया, क्या जरूरत है पूछना? Thank you.
ओके मैम आप आइए सर आप फोटो मैं सर नारायण नगर है रुकना सर सही मैं वो दिस कॉर्नर आपके राइट में या आप ये सेंटर से किया इस तरफ यहां पे मैम ये प्लीज बिल्कुल अभी पेट्रोल में हाथ है हरी भी नहीं मेरी पर मैम ये मैम ये कॉर्नर लेफ्ट वाला मैम ये आपके फोटो वायरल नया है सर आप आइए अलग इधर आओ नहीं पहले आप नहीं डर लग रहा है क्या बोल रहे हैं कम कम आ जाओ सर और यार दो आ रहा दूर नहीं रहे दो मिनट में सबसे पहले आएगा साइलेंट कर दो नॉर्मली क्या होता है धीरे धीरे फोन बच जाता है नो सर्विस है ओके क्या सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे वादा सलाम एक एपिक सॉन्ग था इट्स बीन रिक्रिएटेड और जब चंपक जी ने मुझे बताया कि ये गाना हमने शूट कर लिया है तो मैं बहुत गुस्से में आया मतलब कि ये गाना किसी और को कैसे दे सकते हैं बट जोक्स अपार्ट ये गाना बहुत फेवरेट है और इनफैक्ट आपने जो अगर आप म्यूजिक वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से खूबसूरत से शूट किया गया लोकेशन बहुत अच्छे ये दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इनकी जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है डायरेक्टर जो है वो खुद कैमरा मैन है अभी मुझे
मालूम चला, आई मीन इन्होंने बहुत अच्छा किया, वो सिंगर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. चंपक जी तो यू नो बड़े भाई हैं और बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी. एंड जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले बताया, दिखाया, तभी मुझे लगा कि ये हिट सॉन्ग है और बहुत अच्छे से शूट किया गया है. जितने भी सॉन्ग्स है, अगर यू नो हम बड़े हुए हैं उस सारे गानों को सुनते हुए, तो अब जब भी रिक्रिएट किया जाता है उन सारे सॉन्ग को, तो मुझे लगता है वो हमेशा लोगों के जहन में क्योंकि रहता है, तो वो हिट हो जाते हैं बहुत जल्दी. और इनफैक्ट आज के टाइम में लाइक 3-4 साल से ऐसे सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं और सारे हिट हो रहे हैं, तो आई थिंक वो करना चाहिए. सबसे पहले तो मैं गुरमीत का शुक्रिया करूँगा कि वो यहाँ आए और इन्होंने यहाँ पर ये रिलीज किया. इसकी मेमोरी, इस गाने की मेमोरी एक्चुअली 1990 की है, क्योंकि 1990 में जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, उस टाइम रतन जी, अब्बास जी, जतिन ललित, अनवर सागर साहब, उस टाइम मैं बहुत यंग था, मतलब वॉज वेरी यंग. उस टाइम जब ये गाना हो रहा था तो उस टाइम भी मैं था वहाँ पर, रिकॉर्डिंग के टाइम भी था और जो क्रिएशन हो रहे थे उस टाइम भी था. तो उस दौर का ये 90 का जो हमारी फिल्म पहली, हमारे विनस का कंपनी की पहली फिल्म थी, जो म्यूजिकली हिट हुई, पिक्चर भी हिट हुई. तो ये हमारी कंपनी, ऐसे तो हमारी कंपनी 85 में शुरू हुई थी, वहाँ पर गाने काफ़ी हिट हुए हैं उसके पहले भी, लेकिन ये पहली फिल्म थी जिसका हमारा खुद का म्यूजिक था, हमारा प्रोडक्शन भी था कंपनी का. तो उसके बाद इतना आज इस गाने को 27 ईयर हो गए, 27 साल हो चुके हैं. तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में था कि ये गाना करना है. तो एक दिन रॉय एक स्क्रैच मेरे पास लेके आया कि चंपक जी ये गाना आप जरा सुनिए, आप कुछ करें हम इसके ऊपर. तो मैंने सुना, मुझे अच्छा है. फिर हमने और रॉय ने मिलकर उसमें जो करेक्शन करने थे, कुछ फीमेल वॉइस ऐड कराई, फिर रिदम में कुछ प्रॉपर थी, तो इन्होंने मुझे वो मिस्टर अंजन और मिस्टर जॉय रंजन जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर, उनके से उन्होंने काम करवाया. तो और लिरिक्स भी काफ़ी खूबसूरत बुद्धा जी हैं जो इन्होंने लिखे हैं, और गाया भी इतना खूबसूरत तरीके से, दरीना करके एक सिंगर है वो भी उन्होंने सब अच्छा किया. इतना सारा काम होने के बाद जब गाना शुरू हो गया, सब रिकॉर्ड उधर हो गया, तो शूटिंग की बात आई. तो फिर शूटिंग में ऐसा हुआ कि अभी गाना किसके ऊपर करें, तो ऑलरेडी हम सोनिया के साथ तो काम कर चुके हैं, बहुत मेहनती है उन्होंने, पहले भी हमारा दुनिया गाना किया हुआ. तो फिर हमने बोला कि रॉय और हमारी सहमति हुई कि हम सोनिया को इसमें कास्ट करेंगे, और फिर विपिन भी आ गए इसमें. तो इन दोनों को कास्ट, दोनों ही मेहनती है. और सबसे स्पेशली बात है सोनिया की भी बात कहूँगा कि इन्होंने जो लिपसिंग की है, जो आजकल आर्टिस्ट बहुत, आजकल ऐसे भी डायरेक्टर करवाते नहीं लिपसिंग, लेकिन जो लिपसिंग इन्होंने की है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लिपसिंग हर आर्टिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. आप गाना बैकग्राउंड में चला दीजिए, आर्टिस्ट गा लेता है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब लिपसिंग की बात ये थी, तो गुरमीत इज द बेस्ट, क्योंकि इतना अच्छा लिपसिंग करता. मैं भी इसको बोलता हूँ यार, गुरमीत यू आर द बेस्ट, जो ऋषि कपूर कर रहे थे. तो इन लोगों की जो भी हीरो लिपसिंग करेक्ट कर करता है, उसके गाने के अंदर उसकी जान आ जाती है. तो इन दोनों ने इतना खूबसूरत तरीके से उसको ठीक किया है, और अल्टीमेटली जो सारा पूरा क्रेडिट है मिस्टर रॉय को जाता है, क्योंकि रॉय ने इन्होंने अपने आर्टिस्ट से सारा इतना काम करवाया, स्क्रिप्टिंग से लेके फोटोग्राफी से लेके शूटिंग से लेके गाना रिकॉर्डिंग से लेके सारा काम इन्होंने किया. तो मैं सारा क्रेडिट रॉय को भी दूंगा. तो ये सब मिलके काम हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से काम हुआ है, जो लोगों को पसंद आएगा और 100% पसंद आएगा. ये गाना ऑलरेडी एक हिट गाना था, बचपन से हम यही गाना देखते आए हैं, और ये गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना था. तो ये गाना जब हमने डिसाइड किया जब करेंगे, तो हमें तो मुझे लग रहा था कि इसको कम्पीट करने के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे ये बहुत ही एक मतलब कैनवस, एक पेंटिंग कैनवस जैसा दिखे. तो हम वो लोकेशन सर्च कर रहे थे, तो वो लोकेशन अल्टीमेटली हमें एक मिला एक जगह पे. तो वहाँ हम शूट करने के लिए जब जा रहे थे, वहाँ टेम्परेचर -15 degrees था. तो वहाँ जाके इनको नॉर्मल कपड़ों पे शूट करना, और वो एक टफ था हमारे लिए जो हमने किया. और बाकी हमारी मेहनत आपको दिखेगी कि हमने क्या किया. ये हमने तिब्बत बॉर्डर पे शूट किया है, हाफ पोर्शन, और हाफ हमने मॉरिशस में शूट किया. सो
कुछ कॉन्सेप्ट क्या आपने सोचा सिंचु कोरोना वी ऑल हैव कोरोना बेस्ड सॉन्ग सो व्हाट इज कंसेप्ट ये था कि इसको हम जितना ब्यूटीफाई कर सके उतना करें. एक ड्रीम सीक्वेंस के हिसाब से हमने शूट किया है. एक लड़का है जो एक वेटर है और वो एक हम आते जाते किसी भी दिन किसी भी लड़की को हम पसंद कर लेते हैं कि हाँ हम आज बैठे हुए एक लड़की पसंद आई. पर ऐसा नहीं होता कि हम इस लड़की को कुछ बोल सकें या कुछ कह सकें उसको. तो हमने वही कंसेप्ट रखा हुआ है इस पे. वो लड़का एक कॉफी शॉप का वेटर है जिसके कॉफी शॉप में वो लड़की आती है तो वो उसको कॉफी देने के लिए जाता है. उसको एक फर्स्ट साइट लव उसके तरफ से होता है. तो वही कहानी हमने यहाँ पे रखी है और बाकी पूरा एक ड्रीम सीक्वेंस है जो आपको देखने को मिलेगा. सोनिया आपका दोबारा से वीडियो वीनस के साथ लुकिंग ब्यूटीफुल. व्हाट डू यू हैव टू से? इट इज अ बिग सॉन्ग टू बी फीचरिंग ऑन. सो हाउ हैप्पी आर यू? या आई एम रियली हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर बिकॉज़ दैट दे हैव रिकॉग्नाइज्ड माय टैलेंट. So I'm lucky enough that I have been chosen for this song. What else would you like to say? आपने क्या experience share करेंगे? Experience? Yeah, it. I had a hilarious experience. The location is, you know, exquisite. I really liked that place, and I think it is expected that will turn out quite well on screen. The way the director portrayed us on screen, I think he has done a fantastic job. What do you have to say? Being part of this legendary song. एक्चुअली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. सो बचपन से ही मतलब पूछते थे कि यार कभी किसी वीडियो में करेंगे फीचर करेंगे. सो बीइंग एन एक्टर इट्स ऑलवेज यू नो स्ट्रगल अनटिल अनलेस यू रीच अ सर्टेन पॉइंट. सो पता ही नहीं था बिकॉज इट वॉज़न्ट प्लान्ड एंड कहीं से कहीं तो कोई था ही नहीं नज़रिया कि यार कुछ होने वाला है ऐसा. सो आउट ऑफ नो वेयर जस्ट हैपन्ड एंड इट हैपन्ड सो ब्यूटिफुली कि यू नो एवरीबडी इज लविंग इट एंड द लव इज पोरिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. जिन लोगों ने कभी फोन नहीं किया था लाइफ में आज तक कोई यूएस से कोई यूके से दे कॉलिंग बॉस आई सीन द वीडियो एंड आई एम लाइक रियली मतलब इतना अच्छा गाना है कि रे बॉस इट्स अमेजिंग. आई मीन लाइक कॉल कर रहे हैं आपको यार एंड आई वाज लाइक वाओ इट वर्क्स रियली वर्क्स. सो या मेरे लिए तो मतलब इतना ही है कि यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली. बस आई एम ब्लेस्ड टू बी लाइक working with this super talented guy. Yeah. He's a rock star and this opportunity has given me by Venus. So I'm thank you for this opportunity, sir. It's amazing and yeah, I'm hoping ki, you know, everybody will give it more love and more support and it will grow huge and huge every day. So it's a fantastic thing. Thank you. Yeah. Aapse aapka experience. Ye gana ek saal pehle Shanda ne ek din rap ko aake bola ki Joyda main bhi tha Joyda ke udhar. बोले कि गाना बनाना है फटाफट करते उस पे काम. तो दो दिन में गाना बन गया. मैंने उसी रात को वहाँ पे रिकॉर्ड किया और वही फाइनल रिकॉर्डिंग था उस गाने का. तो एक्सपीरियंस बोलूँगा तो ये गाना बहुत बचपन से ही बहुत पसंद था मेरे को. फिर धीरे 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 मैं कभी लगा नहीं था यही गाना कभी गाने को मिलेगा इस ढंग से. तो फिर मैंने लिखा उस हिसाब से कुछ सोच के लिखा. स्टोरीज बनाता रहता हूँ खुद ही अपने अपने दिमाग में अपने अपने अलग अलग लड़कियों को सोच सोच के सच सच के. तो उसका जो स्टोरीज बनते हैं उस स्टोरी से किसी को कैसे कौन बोलेगा इस सेंस में बोल के नए नए स्टोरीज बनते हैं नए नए लिरिक्स बनते हैं. लिरिक्स के हिसाब से हमें जोयदा ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे मीटर पे जाना है इसी सिक्वेंस में गाना बनना है. सोचा था कभी तुझसे कहूंगा मैं कर ले कबूल मेरी हर दुआ. बेहतर है जिंदगी तेरे साए में मेरी तुझ में ही मिल गया है बाखुदा. तुझ में जीऊं मरूं बेपनाह इश्क करूं चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना. वाओ थैंक यू. आपसे आपका सॉन्ग के बारे में डिजिटल स्पेस में
पर गाना तो बहुत अच्छा बना है, ऑडियो एज वेल एज इवन वीडियो वेरी वेल यूटिलाइज्ड, एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जब ये गाना ऑलरेडी यूट्यूब पे आ गया है, प्रमोशन भी होगी, तो पीपल विल लाइक अ लॉट. एंड एज फार एज डिजिटल स्पेस इज कंसर्न, यस आजकल मतलब रिक्रिएटेड गाने जो थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल में, जैसा भी उन्होंने गा के सुनाया, इतना अच्छा गाया, तो इस तरह के गाने आजकल बहुत चल रहे हैं. और सारे गाने रोमांटिक गाने जब रिक्रिएट चलते हैं तो सब चलते हैं, तो आई एम श्योर कि ये भी बहुत चलेगा और हम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करेंगे और इसका रिजल्ट आउटकम विल बी फैंटास्टिक. So all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. All the best. Thank you so much. And to you also. Thank you. Thank you. See you. See you. Bye bye. Bye. It's a pleasure. सबका सिंगा सिंगा. Ready guys? चलिए चलिए. वेल आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज वीनस के सारे गानों का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और वादा रा मेरा फेवरेट सॉन्ग था हमेशा से. और जब चंपक जी ने मुझे 10 दिन पहले इसका वीडियो दिखाया तभी मैंने चंपक जी को कहा कि जिस तरीके से उन्होंने शूट किया, जो लोकेशन यूज़ किया है एंड जो दोनों की जो केमिस्ट्री वो बहुत ही कमाल है, और गाना जिस तरीके से रिक्रिएट किया गया है विच इज़ फैंटेस्टिक. सर रिक्रिएशन की बात करें तो अभी दौर में ज्यादातर सब सॉन्ग रिक्रिएट होते हैं, पर जो ओरिजिनल जो टीम होती है जो कंपोज करती है वो बहुत जन नाखुश होते हैं उससे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा. वेल मैं वो एक्चुअली आपको वीनस से बात करनी चाहिए. मैं जो गाने आते हैं मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं. सर आपके भी मूवी में रिक्रिएट किया गया है वजह तुम मूवी में भी. हाँ पल पल. हाँ वो मेरा, मैं तो बहुत खुश था क्योंकि पल पल जो है वो बहुत ही हिट सॉन्ग रहा है और धर्म जी पे फिल्माया गया है और मैं धर्म जी का बड़ा फैन रहा हूँ, गाने का फैन रहा हूँ, और मेरे पे फिल्माया गया तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है. बात बाकी बात जो भी सोचे. हाँ सिंगल का भी ट्रेंड चल रहा है, हर एक्टर सिंगल में काम कर रहा है, एनी प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू टेक अप? वेल डेफिनेटली मेरे दिमाग में है कुछ जहाँ पे मैं म्यूजिक वीडियो करना चाहता हूँ, बट जो मेरा डांस है, इनफैक्ट आफ्टर विनिंग झलक दिखला जा, आई थिंक जो डांस जो टैलेंट है वो मैं चाहता हूँ कि कुछ म्यूजिक वीडियो के जरिए मैं दिखा सकूँ. फ्यूचर में ऐसा कोई सॉन्ग जो मैं रिक्रिएट करना चाहता हूँ, वेल आई वुड से एक्चुअली वो हो गया तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, वो वीनस का ही था. बट मैंने अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक ही मैंने उस गाने पे मैंने डांस किया तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त पे, और जो कि बहुत वायरल भी हुआ वो वीडियो. अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग वापस डालिए और वायरल कर दीजिए. वेल लाली की शादी 7 अप्रैल को रिलीज हो रही है और कल हम एक्चुअली एक संगीत कर रहे हैं जो कि द क्लब में हम प्लान किया है. हमने प्रॉपर संगीत जैसा होता है वैसा ही माहौल है जहाँ पे जितने भी सिंगर्स हैं और को अंकित
सभी सभी लोग वहाँ पे आ रहे हो, लाइव परफॉर्म करेंगे और मैं विवान नक्शा हम सब वहाँ पे मस्ती करेंगे और किस तरीके से संगीत होगा, बहुत सारी प्लानिंग है। आई थिंक वहाँ पे आप सभी आएंगे संगीत में तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई थिंक कुछ दो हफ्ते बचे हुए हैं और यू नो हम फुल ऑन आगे बढ़ रहे हैं। उसके गाने रिलीज़ हो रहे हैं हर हफ्ते, एक 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 गाने रिलीज़ हो रहे हैं। उसका प्रोमो लोगों को पसंद आ रहा है एंड आई मीन जब तक मैं टीवी कर रहा था यू नो उसके बाद जो भी फिल्में मैंने की, खामोशी और वजह तुम, वो कहीं ना कहीं थ्रिलर और इरोटिक थी, लेकिन लाली की शादी एक ऐसी फिल्म है जो यू नो 6-7 साल जो मैंने टीवी किया उसमें यू नो वो मैं प्रेम बना रहता था यू नो जहाँ पे बॉडी होती थी, एक्शन भी करता था, रोमांस भी करता था, लेकिन वो मौका फिल्मों में नहीं मिला था। तो अभी ये मौका लाली की शादी में ज़रूर मिला है और आई एम श्योर कि ये सारी फैमिली, बच्चे से लेके बूढ़े जवान, हर कोई जा सकता है और इन्जॉय कर सकता है। वेल अभी फिलहाल फुल ऑन हम प्रमोशन में लगे हुए हैं और कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले वक्त में ज़रूर आपको पता चल जाएगी। हाँ ये न्यूज़ हर जगह पे आई हुई थी कि हमने, मैं और देबिना ने दो लड़कियों को अडॉप्ट किया है। एक्चुअली बहुत टाइम से ये दिमाग में मेरे थे क्योंकि कुछ 7-8 साल मैं कुछ अनाथ बच्चों के, एक्चुअली मुझे 7-8 साल पहले कॉल आया, बोला कि अनाथ बच्चे हैं कुछ वहाँ पे जाके, जैसे और एक्टर्स को बुलाया जाता है जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, उनके लिए आप जाते हो, उनको खुश करते हो। तो कुछ सालों से मैं वहाँ पे जा रहा था बट मुझे लगा कि जाने के बाद क्या होता है। तो अगर हम एक्टर्स वहाँ पे जाते हैं और उनको खुश करके आ जाते हैं तो मुझे, मैं इनके बहुत नज़दीक रहा यू नो, तब मैंने ये बात देबिना से शेयर की और कहा कि क्यों ना हम ऐसे कुछ लड़कियों को यू नो अडॉप्ट करें, अगर उनको हम अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, उनको अच्छे कपड़े दे सकते हैं, अगर उनकी अच्छी शादी कर सकते हैं तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है यू नो। उसका सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा था यू नो। हम हमेशा एक्टर जाते हैं और यू नो बहुत कुछ करते हैं सोशल कॉज के लिए बट उसका सॉल्यूशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आई थिंक ये और मैं और देबिना ने फाइनली इन दो बच्चों को अडॉप्ट किया जो कि 6 साल के और एक 9 साल की लड़की है, दोनों लड़कियाँ हैं। एंड खुशी की ये बात है कि कुछ एक्टर्स अभी इस न्यूज़ के बाद वो भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं और आप लोगों को न्यूज़ भी मालूम चल जाएगा। कुछ मेरे सर्कल में कुछ लोग पॉजिटिवली इसको सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये एक 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 जरिया था, एक शुरुआत थी जो सबको लेना था और मैं और देबिना ने ये शुरुआत शुरू की है और दिल से किया है एंड हम लोग बहुत खुश हैं। सर ये अडॉप्शन की बात हुई तो बॉलीवुड ये अडॉप्शन के ऊपर बढ़ चुके हैं एक पॉजिटिव वे में और नेगेटिव साइड में, कोई कहता है या सही चीज़ है कोई बोलता नेगेटिव साइड में, तो आपका क्या मानना है ये चीज़ पे? वेल नेगेटिव तो मुझे कहीं भी दिखता नहीं है और ऐसा तो है नहीं कि मैं और देबिना खुद के बच्चे नहीं चाहते यार, या बच्चे हो नहीं रहे तो इसीलिए हमने अडॉप्ट कर लिया। और हमने भी जो बच्चे अडॉप्ट किए वो बड़े हैं, 6 साल और 9 साल के हैं यू नो। वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको एक कल्चर में वो रह रहे थे और अचानक बॉम्बे उनको ले आए, तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के प्लानिंग के साथ हमने किया है। पर सबकी सोच अपनी अपनी होती है। आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और आई थिंक अगर सब लोग ऐसे ही मिलजुल के आएंगे तो ज़रूर ऐसे अनाथ बच्चे हमारे इंडिया में नहीं रहेंगे। थैंक यू सर।